नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुमार न्यूज में। अगर आप धोनी के फैन हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो करें लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद सभी खिलाड़ी आईपीएल की तैयारी में जुट चुके हैं। आईपीएल 2019 का पहला मैच 23 मार्च को रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग के बीच बेंगलुरु के स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महत्वपूर्ण मुकाबले के पहले दोनों टीम अपने होम ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही हैं। चेन्नई सुपर किंग के फैन तो हमेशा से धोनी के लिए उत्साहित रहते हैं। चेन्नई के चंपक स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान धोनी धोनी का नाम लेते हुए फैंस थक नहीं रहे थे। इसी बीच एक फैन धोनी से मिलने के लिए मैदान तक पहुंच गया। इसके बाद धोनी ने वही किया जो वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे सीरीज के दौरान एक फैन के साथ किया था। उस मैच में धोनी पूरे स्टेडियम में दौड़ लगाने लगे और फैन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। रविवार को चंपक स्टेडियम में एक फैन धोनी से मिलने के लिए फिर मैदान पर पहुंच गया। उस समय धोनी टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज बालाजी के साथ खड़े हुए थे। वहां फैन ने तेजी से दौड़ते हुए महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंच गया। ये देखकर धोनी बालाजी के पीछे छुप गए और फिर उन्हें दौड़ लगाना शुरू कर दी, जिसके बाद फैन को भी उनके पीछे दौड़ लगानी पड़ी। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर उसे रोकने की कोशिश भी की, परंतु फैन गार्ड्स के हाथों में आसानी से नहीं आया, जिसके बाद फैन ने धोनी से हाथ मिलाया और धोनी ने उसके साथ फोटो खिंचवाया, परंतु धोनी ने हाथ मिलाकर उसे वापस जाने के लिए कह दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।